दोस्तों नमस्कार, यहाँ बात करते हैं योग आयुर्वेद स्वास्थ्य के बारे में। किस प्रकार से अपने आहार विहार को ठीक रखा कर संतुलित रखा कर रोग मुक्त रहा जाए, सुखमय जीवन जिया जाए। मैं डॉक्टर मनमोहन लखेड़ा आज बात कर रहे हैं आयुर्वेद में मानस विज्ञान एवं शरीर के बारे में। मानस विज्ञान एवं शरीर। दोस्तों, मानव का भौतिक शरीर जो बाहर से दिखाई देता है वह देखने में छोटा दिखाई देता है। अज्ञानता से हमें जो छोटा दिखाई देता है वह भौतिक शरीर हम मान लेते हैं, मगर वह मानव रूपी शरीर बहुत ही विशाल अद्भुत अनोखा है। जब हमें इस शरीर के बारे में पूर्ण ज्ञान होता है, पता चलता है कि यह मानव शरीर वह नहीं है जो मात्र बाहर से दिखाई दे रहा है। इस मानव शरीर के अंदर विशाल शक्तियों का खजाना भरा पड़ा है। इस मानव शरीर के अंदर पूरा विश्व समाया हुआ है। यह बहुत ही अद्भुत विशाल है। इस मानव शरीर को जानने समझने के लिए पवित्र ग्रंथों शास्त्रों का गहन अध्ययन कर उसमें लिखे नियमों उपायों को अपनाकर हम इस अद्भुत शक्तिशाली विशाल मानव शरीर के बारे में जान समझ सकते हैं, इसकी शक्तियों को जागृत कर सदुपयोग कर सकते हैं। शास्त्र में कहा गया है, शरीर इंद्रिया सात्वात्म, शरीर ही सब क्रिया कलापों को संपन्न करने वाला होता है। शरीर के माध्यम से ही इंद्रिय पंच इंद्रिय अपना अपना कार्य करते हैं। शरीर पंच भौतिक है और आत्मा का भोगा यतन है। महर्षि चरक के अनुसार शरीरा पंच भौतिक आत्मनो भोगा यातनम। शरीर विज्ञान के अनुसार मानव शरीर को तीन भागों में बांटा गया है। नंबर एक स्थूल शरीर, नंबर दो सूक्ष्म शरीर, नंबर तीन कारण शरीर। नंबर एक स्थूल शरीर। स्थूल शरीर ही मन का अधिष्ठान है और उसका कार्य क्षेत्र है। इसी को अन्नमय कोश भी कहा जाता है। इसी को मात्रज पितज तथा रसज शरीर भी कहा गया है। इसीलिए दोस्तों मृत शरीर केवल अन्नमय कोश है। नंबर दो सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर को ही लिंग शरीर भी कहा जाता है। भारतीय पवित्र ग्रंथों के अनुसार पुनर्जन्म के सिद्धांत में सूक्ष्म शरीर ही पर जन्म में एक शरीर से दूसरे शरीर के लिए बीज का कार्य करता है। सांख्य दर्शन के अनुसार सूक्ष्म शरीर महत अहंकार मन पांच ज्ञानेंद्रिय पांच कर्मेंद्रिय तथा पांच तन मात्राओं से युक्त अष्टादश तत्वात्मक से बना है। नंबर तीन कारण शरीर। कारण शरीर तो स्थूल एवं सूक्ष्म शरीर का मूल है। यह जड़ एवं चैतन्य के ग्रंथि स्वरूप माना गया है। जीवात्मा भूतात्मा पुद्गल पुरुष हंस स्वराट आदि इसी के पर्याय है। समिष्ट में व्यष्टि का बोध इसी के कारण होता है। मैं चैतन्य रूप अन्यों से भिन्न हूँ, यह व्यवहार कारण शरीर से ही होता है। ऐसा एहसास होना अस्मिता अहंकार ही कारण शरीर है। अतः अविद्या को ही कारण शरीर माना गया है। यही आनंदमय कोश है और सुसुप्ति अवस्था में इसकी अभिव्यक्ति अधिक होती है। शास्त्र में कहा गया है, श्रीयते इति शरीरम, अर्थात स्थूल सूक्ष्म तथा कारण शरीर इन तीनों अवस्थाओं को विनाशशील होने से शरीर कहते हैं। इस शरीर के अंदर जो एक चैतन्य
सत्ता है, वह विनाशशील नहीं है। ये सत्य अंतर्यामी अमृता आत्मा व अनुच्छित्ति धर्मः, यही चैतन्य तत्व जब अपने ऊपर आवरण संचय करता है और स्थूलतम हो जाता है तो काय या शरीर या देह से जाना जाता है। चित्त चायते दियते इति काया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए लखेड़ा आयुर्वेद को और लेते रहिए आयुर्वेद योग स्वास्थ्य संबंधी नई नई जानकारियाँ। नमस्कार।